हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, बिहारी डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संदीप आनंद आज जुड़े हैं खास मेहमान के साथ जिनका नाम है भीम शंकर। चलिए आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भीमा शंकर, कर्नाटक स्टेट से आया हूँ। मैं पुलिस हेड कांस्टेबल में ड्यूटी कर रहा है। मेरा तो एक सपना था भारत दर्शन साइकिल में करना चाहिए। सितंबर 5 दिल्ली से शुरू किया, आज तक 42 डेज कंप्लीट हो गया। 4000 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए इधर आया। अभी तक 8 स्टेट का कैपिटल सिटी क्रॉस करते करते आया हूँ इधर। हमारा उद्देश्य क्या है, भारत का वीर डॉट का ऑनलाइन वेबसाइट है। ये वेबसाइट भारत सरकार और अक्षय कुमार दोनों मिलकर एक साल से पहले शुरू किया। इस वेबसाइट से कौन भी लोग शहीद जवान का फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इस वेबसाइट से जाए भारत का वीर क्लिक करो, बाद में लिंक आता है, लिंक बाद में क्लिक करो, उनका फोटो आता है, सब डिटेल्स आता है, बाद में सिक्योरिटी कोड आता है। कितना भी डोनेट करते हो सकता है 100 to 50 lakh तक। इस बारे में लोगों के लिए अवेयरनेस करता करता इधर तक आया। जब आपने इस यात्रा की शुरुआत की तो किन किन लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया आपकी तरफ? मेरा यात्रा में हमारा SP साहब 120 डेज लीव दिया, हमारा सबॉर्डिनेट एंटी नक्सल फोर्स सिबंदी एंड ऑफिसर्स 17,000 का मोबाइल गिफ्ट दिया। बाद में फेसबुक ने देखने के बाद हमारा ADGP साहब श्री भास्कर राव सर IPS वो भी 10,000 मेरे अकाउंट के डाले। बाद में श्रीनगर जाने के बाद में उधर CRPF का IG साहब श्री हरदीप सिंह मिला था, वो साहब भी 15,000 कैश दिया। बाद में मेरा अकाउंट में अभी पेमेंट हो रहा है, खर्च कर जा रहा हूँ। हमारा मिसेस का दो ब्रदर है, वो 26,000 का साइकिल गिफ्ट दिया। हमारा हाई स्कूल फ्रेंड्स भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बिहार में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? अभी यहाँ पे दुर्गा मेला का त्यौहार चल रहा है, यहाँ का माहौल दुर्गा पूजा, तो आप ऐसे किस्मत को मानते हैं कि आप बहुत अच्छे अवसर पे आए हैं, तो कुछ अपने फीलिंग के बारे में बताए जो आपने महसूस किया? पहला हमारा कर्नाटक में विजयदशमी बोलते हैं, विजयदशमी मिस हो गया ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा मन में था। बाद में इधर आने के बाद में एक एक गांव और छोटे छोटे विलेज में भी दुर्गा पूजा बहुत विजृंभण बहुत ग्रैंड में बन रहा था, बहुत खुश होगा। हमारा कर्नाटक में है तो मन में फीलिंग आ रहा है, बहुत अच्छा अच्छी से इधर फेस्टिवल आचरण है। सब इस चैनल से बिहारी न्यूज़ चैनल से बिहार लोगों की विजयदशमी का शुभकामना मैं बोलता हूँ। तो बिहार में बिहार के सबसे फेमस लिट्टी चोखा क्या आपने खाया? हाँ, पहला इधर आने के बाद में होटल में जाकर अरे भाई सब खाने के लिए क्या है बोला था, सर इसका फेमस का लिट्टी चोखा है, आप खाओ, टेस्ट बहुत अच्छा। बाद में वही दो दिन वही खाया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे टेस्ट है, बहुत इसका फेवरेट है। तो बिहार में आने के बाद आपको किन किन लोगों ने मदद की, जैसे जानना चाहेंगे आपसे? इधर आने के जगह जगह में बहुत लोग मिलता था, हमारा नंबर फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक में फोटो वीडियो लेते, उनका उद्देश्य भी पूछता था। एक रोहतास में एक आदमी विक्की चौबे नाम के एक अच्छा आदमी मिला था, वो मेरे को मिल के बाद उनका काम करने का रोहतास में इनवाइट करें। मैं उधर जाने के बाद में एक दिन रेस्ट किया, सब गांव वाले के मीटिंग करने के बाद हमारा उद्देश्य बहुत उनके गांव के बोला था। वो दिन भी मेरा खाना पीना रेस्ट के लिए व्यवस्था दिया, मेरे के लिए पटना भी आया, इधर भी उनका घर के कल रात व्यवस्था दिया। बहुत अच्छा आदमी ये चुप गए आपका न्यूज चैनल से उनको फैमिली को बहुत धन्यवाद बोलता है, बहुत अच्छा बिहारी लोग बहुत याद रहते हैं।
तो दर्शक आपके जीवन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा बीता, आपकी पढ़ाई कैसे हुई, आपकी परवरिश कैसे हुई और कब आपको प्रेरणा मिली कि साइकिल पे आपको पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए। हमारे कर्नाटक में एक वाग्मी था, श्री चक्रवर्ती सूर्य बल्लभ, अच्छा वाग्मी था। वो कारगिल युद्ध होने के बाद में शहीद जवान के लिए बहुत कार्यक्रम दिया। वो उनका कारगिल युद्ध का एक आठ मिनट का एक स्पीच मैं सुनने के बाद डिसाइड किया वो कारगिल देखना चाहिए, हमारा डिसाइड किया। वही टाइम में एक बड़ा एक आदमी साइकिल में हमारा ड्यूटी के पास आया था, मैं डिसाइड किया कारगिल साइकिल में जाएगा। बाद में डिसाइड किया दो बार कारगिल देखने के लिए 2014-15 में जाए, बट टेक्निकली प्रॉब्लम था नहीं देखेगा। 2018 में हमारा सपना पूरा हो गया। बचपन के बारे में नहीं बताया सर मुझे। बचपन में पीयूसी तक अच्छा एजुकेशन दिया, पीयूसी में थोड़ा फेल हो गया। बाद में एक मेडिकल में काम करते थे, मेडिकल का में काम करते करते हिंदी भाषा थोड़ा सीखने वो टाइम में। बाद में पुलिस में भर्ती हुआ, हमारा नौकरी होने के टाइम में वो प्रवीण कुमार उर्फी हमारा दोस्त था, बहुत अच्छा आदमी है मेरा, अभी मैं पुलिस में है तो उनके लिए हमारा एप्लीकेशन वही दिया। मैं फिजिकल में घर छोड़ने के लिए बाहर गई, वही मेरा ढूंढने के लिए मेरा सीईटी भी वही हेल्प दिया, बहुत हेल्प दिया। आज वो नहीं, भगवान के पास है। बहुत अच्छा फ्रेंड मिस प्रवीण कुमार उर्फी हमारा, सब हाई स्कूल क्लासमेट में बहुत अच्छा आदमी है, आज मेरे साथ नहीं है। बहुत अच्छा। तो अभी आप पटना में, फिर पटना के बाद आपका क्या आगे का सपना है कि आप कौन कौन से राज्य में भ्रमण करने जाएंगे? मेरा प्लान है सब स्टेट का कैपिटल सिटी क्रॉस करते करते है वो नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएगा। मेरे पास 120 डेज है, 120 में 20 स्टेट का कैपिटल सिटी करता हूँ। अभी तक 8 स्टेट का कैपिटल सिटी गई, नेक्स्ट रांची, कलकत्ता, भुवनेश्वर, रायपुर, हैदराबाद, अमरावती, बेंगलोर, चेन्नई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, गोवा, मुंबई, अहमदनगर, दिल्ली एंड किया। बीच में अक्षय कुमार साहब मुंबई में मिले तो बहुत अच्छा होता है। आज मनु महाराज सर मिलने के ऑफिस को गई, बट फेस्टिवल में बहुत साहब बिजी था नहीं मिल गया। आपसे चैनल से साहब को एक सैल्यूट, बहुत लोग के लिए उनके बारे में पूछता, आप इधर आए तो मनुमार साहब मिलो, आप इधर आए तो मनुमार, बहुत लोग यही बात करेगा आपसे चैनल से। और एक बार मैं सैल्यूट करता हूँ साहब को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दर्शकों को आप बताएं कि अगर आपका जो एम है, मोटिव है, वो आपका क्या है कि इस यात्रा से आप लोगों तक अपना कौन सा मैसेज पहुँचाना चाहते हैं? ये भारत का वीर एक ऑनलाइन वेबसाइट है, कौन भी आपके मोबाइल नेट से शहीद जवान का फैमिली को थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए सरकार, भारत सरकार और अक्षय कुमार दोनों मिलकर एक वेबसाइट बनाएंगे। ये वेबसाइट से कितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते, 100-15 लाख तक कितना भी आप मन में है तो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस वेबसाइट से। इस बहुत लोग के लिए अवेयरनेस कर रहा हूँ, बहुत लोग के लिए आपसे चैनल से से बहुत बहुत लोग के लिए मैसेज जाने तो बहुत अच्छा होगा। तो दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि भ्रमण के दौरान आपके कौन कौन से यादगार लम्हे रहे थे जो आपको बहुत खुशहाली पहुँचाए? एक बार चंडीगढ़ में रात 12 बजे तक आएगा, आने के बाद में वो चंडीगढ़ और 10 किलोमीटर था, रहने के लिए क्या भी नहीं था। गूगल में एनी मंदिर सर्च कर रहा है, एनी मंदिर सर्च कर रहा है मैं, 10 मिनट के बाद दो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों हमारे पास आई कार में, मेरे पास आई, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोला था सर इधर यही मंदिर नज़दीक में क्या है? मैं बोला सर क्यों? तो रहने के लिए मंदिर में रहता था, पेट्रोल पंप पर इसमें रहते थे। अरे भाई साहब हमारा घर इधर ही, प्लीज़ आओ हमारा घर, वेलकम बोले था। रात में 12:30 में भगवान ऐसा हेल्प किया, वो बहुत याद रहे थे, कोमल शर्मा उनका फैमिली था। बाद में श्रीनगर में सब लाल चौक देखने के बाद में आगे दाल सरों से क्रॉस करते करते कारगिल जा रहा था। उस टाइम में हमारे क्रॉस करते एक सीआरपीएफ का आईजी साहब श्री रणदीप सिंह
मेरे पास थोड़े आगे जाने का, बाद में उनका सेंट्री का बोला वो साइकिल में लड़का आ रहा है उनको अंदर छोड़ो। मैं क्या सोचेंगे, पिछले दिन मिलिटेंट अटैक हो गया, थोड़ा चल भी करता है, अलग आदमी है। मैं सोचेंगे अंदर चले, बाद में वेलकम करेगा, हमारा यात्रा के बारे में सब क्वेश्चन पूछेगा। तो खुश हो गया मेरे साथ फोटो वीडियो लेने के बाद। 15,000 मेरे को हेल्प दिया साहब बहुत। वो कर्नाटक वाला भी एक कश्यप सर डीएसपी था, वो भी मिला था, डेली मेरे को मैसेज भी करता है। मेरा क्या भी हुआ तो साहब बोला इंडिया में आपके किसका टाइम भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करो, उनका नंबर दिया, उनका आप चैनल से सेलेक्ट करता हूँ। बाद में इधर रोहतक पास विकी चौबे सर मिला, बिहार का मेरा मिलके वेलकम करेगा, बिहार स्टेट का वेलकम करने के बाद रोहतास भी हमारे को बहुत हेल्प दिया। मेरा क्या है मकसद का बहुत लोगों के लिए, उनके साथ से बहुत लोग के लिए उधर गांव वाला के बोला। बाद में इधर भी चौबे सर रेस्ट करने के लिए खाने के लिए बहुत हेल्प दिया। आगे चल रहा बिहार पटना में कारगिल चौक देखने के लिए, उस टाइम में राहुल रंजन सर मिलेगा, वो साहब एड्रेस दिया इधर आए। बिहार न्यूज़ के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिहार न्यूज़ सब लोग देखे बहुत अच्छी है। आप न्यूज़ चैनल से हमारा मैसेज भी बहुत देख के लिए धन्यवाद। जय भीमशंकर जी की इस मुहिम से अगर कोई दर्शक जुड़ना चाहते हैं या उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनके इस नंबर पे संपर्क करें। मेरा नाम भीमशंकर है कर्नाटक से, मेरा फ़ोन नंबर 0876262-5684। मेरा उद्देश्य सुनने के बाद में बिहारी न्यूज़ सिब्बंदी और स्टाफ वो भी भारत का वीर के लिए सहयोग दिया, उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमारे इस खास मुलाकात में हमारे साथ भीमशंकर जी थे, उनका इन बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकालना उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विज़िट करें। शुक्रिया।